आज वैशाली जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से दौरा किया। उन्होंने अपने 3 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के शंभूपुर कुआरी में लोजपा प्रत्याशी राजकुमार शाह के लिए वोट मांगने पहुंचे चिराग पासवान ने मंच से भाषण देते हुए लोगों से पूछा, आप लोग के घर के आसपास गली नली या नल जल योजना पूरी हो चुकी है? लोगों ने कहा कि नहीं। उन्होंने और पूछा कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार खत्म हो गया या उसके लिए कोई रिश्वत नहीं लिए गए? सभी लोगों ने कहा कि बिल्कुल लिए गए हैं और भ्रष्टाचार तो चरम पर है। तब उन्होंने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और नीतीश कुमार उनसे लगातार झूठ बोल रहे हैं। वो लगातार प्रधानमंत्री को यह कह रहे हैं कि हमारे इलाके में नल जल और नली गली योजना कंप्लीट हो गई है। 7 निश्चय योजना काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी लगातार वो कहते आ रहे हैं, लेकिन लोगों से पूछे जाने पर वहाँ पर पता चला कि शराब तो धड़ल्ले से बिक रहा है। इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने कहा कि लोजपा की अगर सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर लोजपा इन तमाम मुद्दों की जांच कराएगी, इन योजनाओं की जांच कराएगी और ज़रूरत पड़ा अगर दोषी पाएगा तो नीतीश कुमार भी जेल जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर स्थानीय प्रत्याशी राजकुमार शाह को माला पहनाकर उन्हें अग्रिम जीत की बधाई दी और साथ ही कहा कि जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में राजकुमार शाह ने इस इलाके का विकास किया है, आगे और तेज़ी से इस इलाके में विकास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उन तमाम लोग एकजुट हो जाएं और राजकुमार शाह को वोट करें ताकि हम बेहतर सरकार बनाएं और बेहतर सरकार बनाकर आपका विकास कर सकें। संजय पासवान जिला सचिव मुखिया मियांगलो पंचायत जिला अध्यक्ष युवा लोजपा भगवानपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल का रिजिम मैंने 5 साल में क्या सेवा किया क्या किया वो सब आप लोगों ने देखा। एक भी पंचायत ऐसा नहीं है हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिसमें राजकुमार शाह ने अपने फंड से काम नहीं करवाया और बिहार सरकार से लेकर के पान नहीं करवाया। आप देखिए जितने भी हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े रोड थे, 4-5 रोड थे, लालगंज से सराय, लालगंज से भगवानपुर, लालगंज से इमादपुर और लालगंज ये एबीएस कॉलेज के आगे आप लोग वहां से होते हुए ये भगवानपुर के लिए चारों रोड की स्थिति इतना खराब थी और मैंने आपने आशीर्वाद दिया उसको चारों रोड को मैंने क्लियर बहुत बढ़िया बनवा दिया। ऐसा है कि पकड़ी से इमादपुर आने के लिए जो रोड थी उसका स्थिति इतना जर्जर था कि पैदल चलना नहीं चाहते थे, उससे साइकिल से भी नहीं जाना चाहते थे मोटरसाइकिल, और उसी मोटरसाइकिल से उसी रोड से एक दिन रात में आदरणीय मुखिया जी मनोज कुमार सिंह जी आ रहे थे स्कूटर से उलटे रात में, इनका भी हाथ को टूटा टूटा फिर ठीक हो गए। मैंने उस रोड को भी बनवाया, एक भी रोड ऐसा नहीं बचा है। और आपको बता देता है कि रुसुलपुर ग्राम बाबू साहब लोगों का खास खास गांव है। आज 20 साल से भरत बहादुर ने हमारे भरत प्रसाद सिंह जी जब एमएलए थे तो उस रोड को बनाने के लिए उन्होंने गिट्टी गिरवाया था, तब से अब तक वो रोड नहीं बना। और बीच में हमें जो मौका आप लोगों ने दिया तो 3.5 किलोमीटर रोड पक्कीकरण हो रहा है, कालीकरण हो रहा है। उसके बाद घटावे हमारे लालगंज घटावे से आपको अनवरपुर आने के लिए जो सराय जाती है रास्ता वो 8.5 किलोमीटर का रोड था, उसको भी मैंने बोला उसका भी पास हो गया, सेंसर हो गया, काम में हाथ भी लग गया है लालगंज की तरफ से। घटावे टू करता है पौड़ा होते हुए अनवरपुर पंचायत तक, भाई मेरे वो कभी आपको 15-20 साल के अंदर में पीछे पिछड़े काम कुछ काम नहीं हुआ था। लोग इसलिए काम नहीं होता था जो पूर्व में विधायक थे वो अनुशंसा करके बिहार सरकार को देते नहीं थे, उसके पीछे लगते नहीं थे। अभी अभी आप लोगों से निवेदन पूर्वक याद आपको कराना चाहता हूँ, किसी पंचायत में शंभूपुर कुआरी पंचायत में 11 कट्ठा जमीन
इस गांव के एक हमारे गार्जियन है, उन्होंने दिया और उस ये गांव के लोगों का प्रस्ताव था कि 11 कट्ठा जमीन मिला है गिफ्ट में, विधायक जी आप कैसे भी इसमें हॉस्पिटल बनवाइए। और मनोज कुमार से मुखिया जी विश्व हमारे साथ है, मैंने लेटर पर अनुशंसा किया नहीं, लेकर के उसको पटना में जाकर के मैंने दिया, कहा कि 11 कट्ठा जमीन आज के डेट में देने वाला कोई नहीं है और ये मिला है, वहाँ के लोगों का डिमांड है और चारों तरफ उस गांव के चारों तरफ घना बस्ती भी है, एक हॉस्पिटल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ के सचिव जो उस विभाग के सचिव थे उन्होंने हमारी बात को मान लिया और हॉस्पिटल के लिए 3.5 करोड़ रुपए लगा करके 6 बेड का हॉस्पिटल आपका तैयार हो गया। हमारे भाइयों, आप जब नागपुर से चलते थे मंडुआ के तरफ, इमामपुर से होते हुए संभवपुर कुआरी असगरनपुर बोरिया, उसके बाद आप महुआ जाते थे, उस लड़का की स्थिति क्या थी आज से 20 साल पहले, वो रोड बना था जापानी तकनीक से, लेकिन हम समझते हैं कि उतना बदतर स्थिति किसी रोड का नहीं था और वो रोड आपका भला भी नहीं था, ये 2 साल पहले रोड इसलिए आपके यहाँ डीएम थी रचना पाटिल जी, बहुत अच्छी डीएम, बहुत अच्छी, एक बार नहीं 1000 बार उनको हम उनके लिए दुआ करेंगे। उनको मैंने कहा कि सर उधर जो जूनियर जो इंजीनियर है आपके ये महुआ का और इधर हाजीपुर क्षेत्र का, इन लोगों के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है, जिस कारण से रोड नहीं बन रहा और वो पैसा फंड में आके पड़ा हुआ है। हम कहा कि एक मीटिंग आप प्राइवेट में इसी पर बुलाइए और हम लोगों को भी बुलाइए, उसमें हमको बुलाया गया, दोनों इंजीनियर महुआ और हाजीपुर को बुलाया गया और बैठा करके मैडम बोली कि इसमें क्या दिक्कत है, तो इंजीनियर साहब बोलते हैं महुआ वाले कि दिक्कत क्या है इसमें सर, ऐसी बात है, हाजीपुर वाले की ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि आप लोग अभी जाइए और 5 बजे तक, 6 बजे शाम तक, 7 बजे, 8 बजे तक ये स्क्रिप्ट बना के लेकर के आइए कि रोड हम बनाने के लिए उस पर आदेश करें। और वो लोग 7 बजे रात में आया से दोनों इंजीनियर और उन्होंने लिख करके दिया, उसके बाद फटाफट आपका रोज बना। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी विधानसभा में आपके जिला में ऐसा रोड नहीं बना होगा, लालगंज में पहला GT एक्सप्रेस रोड आप लोगों के चलने के लिए बना। हम लोगों ने एक 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 कर ऐसे नेतृत्व को दिए जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, जिन्होंने बिहार को बदहाल किया। पिछले 30 सालों में शिक्षा से लेकर रोजगार की व्यवस्था हो वो सिर्फ चरमराती गई, इसके जिम्मेदारी तय करने का ये समय। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता है शिक्षा के लिए, आप लोगों ने सुना क्या? कोई बंबई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों हम बिहारियों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखिए किस बदहाल स्थिति, आप शिक्षा बेहतर, मेरे बच्चों को कोटा नहीं जाना पड़ता पढ़ाई करने के लिए। आज अगर शिक्षा बेहतर होती तो डिग्री के लिए सालों हम लोग को तरसना नहीं पड़ता। कितने साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है यहाँ पर? 5 साल में। और कितने साल में मिलनी चाहिए? 3 साल में। जो 3 साल में मिलना चाहिए, 5 साल तक मुख्यमंत्री हम लोग को डिग्री नहीं देते। क्यों नहीं देते भैया? अगर डिग्री मिल जाएगी तो फिर हम लोग रोजगार मांगेंगे और रोजगार तो मुख्यमंत्री के पास है। याद है ना मुख्यमंत्री ने बोला था कि बिहार में कारखाना नहीं खुल सकता, याद है कि नहीं है? मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार में कारखाना नहीं खुल सकता, क्यों? क्योंकि बिहार में समंदर का किनारा नहीं है। तो भैया पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, पर अगर वहां पर कारखाना खुल सकता है और हमारे बिहारी वहां जाकर काम कर सकते हैं तो यहां पर कारखाना क्यों नहीं खुल सकता? मुख्यमंत्री जी जवाब देने का समय है। और मैं बता, अभी 2-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर, जानते हैं कि नहीं? पता है? अभी कल फिर आएंगे प्रधानमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को पता है क्या बोले? वो बोले प्रधानमंत्री जी को कि सर हम लोग तो बिहार में
इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, नली गली सब बन गया। तो बन गया ना नली गली, नहीं बना? नहीं बना, सच्ची में नहीं बना। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने तो मेरे प्रधानमंत्री को बोला कि बना, तो झूठ बोले मुख्यमंत्री, झूठ बोले हमारे प्रधानमंत्री से, झूठ बोले। अच्छा चलिए, अब हर घर में नल का जल तो आ गया ना, नल का जल भी नहीं आया। मुख्यमंत्री ने फिर झूठ बोला, प्रधानमंत्री से झूठ बोला। अच्छा चलिए, कम से कम 7 निश्चय में कम से कम कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? हुआ, भ्रष्टाचार भी हुआ 7 निश्चय में हुआ। आप लोगों को पता हुआ? किस किस को पता? हाथ खड़ा करके बताया, आप सबको पता भ्रष्टाचार हुआ, पर मुख्यमंत्री को नहीं पता भ्रष्टाचार हुआ। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार होता ही नहीं है, तो जो व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया हो उसके साथ क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो ये वादा आप लोगों से कर कर जाता हूँ, अगली लोजपा की सरकार में 7 निश्चय की जांच करवाई जाएगी, और अगर मुख्यमंत्री भी उसमें दोषी पाए गए तो नीतीश कुमार जी को भी जेल भेजने का काम हमारी लोजपा सरकार की। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं भैया? शराबबंदी हम लागू किए। मुख्यमंत्री बोलते हैं शराबबंदी लागू हो गई क्या? शराब मिलनी बंद हो गई? मिलती है ना, खुले आम मिलती है ना। और जो रसूलदार लोग हैं उनके तो घर पर होम डिलीवरी तक होती है, पर मुख्यमंत्री को नहीं पता। मुख्यमंत्री बोलते हैं पूरी शराबबंदी हम किए। तो भैया शराबबंदी हो रखी है तो ये तस्कर कहाँ से घूम रहे हैं? तस्करी कहाँ से हो रही है? और ये तस्करी का पैसा कहाँ जा रहा है भैया? किसके पास? किसकी जेब में? नीतीश कुमार जी की जेब में तस्करी का पैसा जा रहा है। शराबबंदी की भी जांच होनी चाहिए कि नहीं? तस्करी का पैसा लूटने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? नीतीश कुमार जी दोषी हुए तो जेल जाना चाहिए कि नहीं? तो साथियों ये वादा करता हूँ, अगली सरकार में इन तमाम चीजों की जांच करवाई जाएगी, और मुख्यमंत्री भी अगर दोषी हुए तो जेल भेजने का काम हम लोग की सरकार करेगी। पर जिसने बिहार को बर्बाद किया हो, पर जिस मुख्यमंत्री ने बिहार को बर्बाद किया हो, उसको मुख्यमंत्री बने रहने का हक नहीं है।